हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आवर चैनल शेयर मार्केट सोलूशन ट्वेंटी फोर इंटू सेवन में आपका स्वागत है दोस्तों अभी जिस शेयर के बारे में बात करेंगे वो है सीडीएसएल का और देखा जाए सीडीएसएल का लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ऊपरी लेवल से नीचे मुनाफा वसूली देखने को मिला और वहाँ से नीचे के लेवल पे ग्यारह सौ छियानवे या ग्यारह सौ संतानवे के लेवल पे बंद हुआ है तो यहाँ से हम लोग कल का संभावना ढूंढने की कोशिश करेंगे कि कल क्या चीज़ें आपको अपनानी चाहिए और किस तरह से आपको ट्रेड करना चाहिए तो ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करने के पहले मैं चाहूँगा जो लोग नए हैं इस चैनल पर प्लीज़ सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबा दें तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हम लोग बात करें लास्ट ट्रेडिंग सेशन का तो वहाँ पर हम लोग देखें तो ग्यारह छियानवे पे इसने क्लोजिंग दी है और एक साल का इसका ट्रेडिंग रेंज देखें तो आपका रेंज निकलता है देखिए न्यूनतम रेंज जो मिनिमम रेंज है वो 948 का है और हाँ यहाँ पे देखा जाए तो जो लो अभी का लगा है वो कहीं कही ना कहीं वन थाउजेंड के आसपास का है वन थाउजेंड थर्टीन या वन थाउजेंड ट्वेल्व के आसपास का है और ये मार्के ये कहाँ से निकलता है दोस्तों ये देखा जाए तो आपको जून में एक रेजिस्टेंस लिया था जहाँ पे आपको ये देखिए ये रेजिस्टेंस लिया था सेम टू सेम ये जो है यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके क्योंकि ये एक साल का निचला लेवल एक तरह से फिफ्टी टू वीक लो को आप टच करने जा रहा है तो अब यहाँ पे आपका बेसिकली जो स्टॉप लॉस यहाँ पे बनता था जो कि आप एक्युमुलेट करते यहाँ पे तो वो आपका बनता था नौ सौ अड़तालीस रुपये का अब बात कर ले दोस्तों यहाँ पे अब क्या मूव आया था तो देखिए ये जुलाई में चौदह जुलाई तक जो मूव दिया था वो पंद्रह सौ पचहत्तर रुपये का दिया था और यहाँ पे एक, एक देखा जाए तो एक रेजिस्टेंस यहाँ पे लिया था यहाँ का मतलब होता है आपका हज़ार चौवन पे लिया था और उसके नीचे देखा जाए तो आपको हज़ार इक्कीस के आसपास जो है ये हज़ार इक्कीस या हज़ार बीस के आसपास जो है इसने जो है सपोर्ट लिया है अब एक हज़ार बीस के ऊपर देखा जाए तो एक सपोर्ट आपका निकल का आता है इलेवन फाइव का इलेवन फाइव मतलब ग्यारह सौ पाँच रुपये का जो है सपोर्ट नज़र आता है इसको आप मार्क कर लीजिए कहीं ना कहीं ये लेवल जो है अभी आपका सपोर्ट बनेगा यदि बारह सौ के लेवल को तोड़ चुका है तो और आपको क्या करना चाहिए था वो भी मैं बताता हूँ यहाँ पर थोड़े से मार्क कर ले मैं तो यहाँ पे एक लेवल और देखें दोस्तों तो बारह का लेवल यहाँ पे क्या हो रहा था यहाँ सपोर्ट ले रहा था तो बारह को मार्क कर लेता हूँ क्योंकि बारह बोलिए या बारह बोलिए ये जो लेवल है ये कहीं ना कहीं देखिए बार बार इसने टच किया है प्रीवियस पास्ट में और इसको ही मार्क कर लें तो कहीं ना कहीं आपका जो है टारगेट निकल के आता था जब हमने यहाँ पे डिस्कस किया था आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बताई थी इस लेवल पे तो आप मेरा वीडियो देखिएगा तो यहाँ पे जब बताया था तो मैंने ये साफ साफ कहा था कि ये जो लेवल होगा यहाँ पर आप मुनाफा वसूली कीजिएगा बारह सौ के आसपास तो ये ये लेवल आपको मिला भी था और वहां से देखे तो ड्रैग भी हुआ है तो यहाँ पे आपको कम्पलीटली निकलना भी था तो यहाँ से देखे अब बात करें दोस्तों तो अब इसके ऊपर क्या लेवल था इसके ऊपर था चौदह का जो कि आपका रेजिस्टेंस बन रहा था कहाँ बन रहा था चौदह सौ से लेकर छब्बीस के बीच में और यही सपोर्ट बन रहा था देखिए यहाँ सपोर्ट बन रहा था और बात करें तो यहाँ पे भी आपको देखा जाए तो इस लेवल पे आपको एक उछाल एक यहाँ से देखा जाए तो तेरह से आपको ये 1425 के आसपास का मिला था तो यानी नेक्स्ट टारगेट यदि ऊपर निकलता है ये शेयर जो है कल देखिए आप कल के ट्रेडिंग सेशन से में बहुत पॉसिबिलिटी है ये नीचे जाए और ये जो है 1155 के रुपए पे आपका सपोर्ट लेगा मतलब 1155 के आसपास आता है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको दिखने दिखनी चाहिए क्योंकि 1155 से देखा जाए तो हज़ार रुपये पर यदि आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये लेवल जो अभी चल रहा है या कल की गिरावट यदि कहीं आ जाती है तो इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट लेवल होंगे ये आप मार्क करके रखिए और यहाँ पर बात करें दोस्तों तो ये जो हाई लेवल देखा जाए तो काफ़ी यहाँ पर रजिस्टेंस है आपको सोलह के आसपास देखा जाए तो आप बहुत ह्यूज रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलता है कितनी बार मिलता है देखिए यहाँ पे एक बार आपको मिलता है फिर ऊपर से देखिए ड्रैग हुआ एक ही बार ऊपर बंद हुआ उसके बाद नीचे ही बंद हुआ या उसी लेवल पे बंद हुआ फिर तीन बार यहाँ पे फिर इसके थोड़ा सा नीचे देखा जाए तो 1600 के आसपास सोलह तो 1600 जो है यहाँ पे देखिए आपका सोलह के आसपास ही रजिस्टेंस बनता है तो सोलह सौ रुपया पंद्रह रुपया जो है ये जो है स्ट्रांग रजिस्टेंस आपका काम करेगा फ्यूचर में कभी भी इस लेवल पे आपको मिलता है तो वहां पर थोड़ा सा क्या कीजिएगा आप कॉशियस रहिएगा और वहाँ पे कुछ ना कुछ आपको स्टॉप लॉस ढूंढना होगा यदि सोलह सौ रुपये चाहता है जैसे कि यहाँ पर आपका आपका निकलता है पंद्रह सौ तिरसठ रुपये का तो पंद्रह सौ तिरसठ का एक यदि उसके ऊपर निकलता है ये दूर की बात है अभी अभी कल के कंसनट्रेट करते हैं तो यहाँ पर आपको जो है एक सपोर्ट जो है यहाँ पर कल के डेट में ग्यारह का आपका निकलता है और यदि ये शेयर आपको आज के लेवल से ऊपर के लेवल पर या बारह के ऊपर ये क्लोजिंग देता है तो फिर एक पोजीशन बनाया जा सकता है 1200 के ऊपर पोजीशन बनाया जा सकता है 1200 को स्टॉपल रखा जा सकता है क्यों और यहाँ पे टारगेट जो है कहीं ना कहीं 1300 के आसपास यानी 1290 के आसपास आपको टारगेट रखना चाहिए ये करना चाहिए और इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं तो बार बार मैं बोलता हूँ दोस्तों इन्वेस्टमेंट भी कीजिए तो जो मुनाफा मिलता है उसको आप निकाल लिया कीजिए जैसे कि यहाँ पे आपको पचास का जब मुनाफ़ा मिला तो आप पचास निकाल लिए होते तो आपको बहुत बार अपॉर्चुनिटी मिलती कि आप एवरेजिंग करते उस प्राइस से तो आपके प्राइस जो है हज़ार से भी नीचे आ जाता तो ये करके आप देखिए यहाँ पर आप पैसा कमा सकते थे फिर ये जो लेवल्स यहाँ पे भी मैंने डिस्कस किया था यहाँ पे भी आप पैसा कमा सकते थे फिर आपको यहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी बताया और यहाँ पे भी आप में पैसा कमा सकते थे आप यदि 1100 के भी लेवल पे निकलते तो दो सौ रुपये मतलब हो जाता है आपका करीब करीब बीस परसेंट जो है आपको यहाँ पे प्रॉफिट निकल जाता है एक साल में आपका एफ डी भी एफ डी भी पाँच छः परसेंट पाँच परसेंट यही देता है और वहां पे आपको बीस परसेंट आपको दो तीन ट्रेडिंग सेशन में मिलता है तो भी आप लालच करते हैं तो ये गलत है तो आपको सावधानी पूर्वक अपना पैसा बचा के रखना चाहिए और मार्केट में जिस तरह अनसर्टेनिटी बना हुआ है तो वहां पे आपको कॉशियस रहना ही होगा और आपको जो है सिक्सटी परसेंट जो है आपको इन्वेस्ट करना होगा फोर्टी परसेंट कैश पे बैठना होगा ताकि जिस तरह की अपॉर्चुनिटी जो बीच बीच में आए तो वहाँ पे उसका फ़ायदा उठा के अपने पैसे को बढ़ा सकें तो ये सारी चीज़ें थी जो कि मुझे बताना था आपको ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे बताइएगा और अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक अपना ख्याल रखिए बाय बाय